आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन अकराम, आज हम एक विलेज में इस अपनी बेवा अम्मा जान के पास पहुंचे हैं इस दुख भरी कहानी के साथ इनकी, क्योंकि इनका कमाने वाला भी कोई नहीं है, इनके बेटे हैं मगर इनको कुछ नहीं है। अल्लाह पाक इनके लिए आसानी फरमाए। और हमारी जो ये एक सिस्टर बैठी हुई हैं इनको पाल रही हैं ये अम्मा जी, क्योंकि इनका कोई सहारा नहीं है। अल्लाह पाक की ज़ात का सहारा है, यहाँ मुसलमान बहन भाइयों का सहारा है। अम्मा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जान क्या नाम है आपका? ताजी। अम्मा जान आप ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे छह हैं, बेटा त्रैपन है, बेटे त्रैपन, एक बेटा पौती का, एक बेवा है, बाकी बच्चे अपने वो अपने आप करें, मजदूर अपने अपने आप मेरे को पैसा करें। आप कुछ नहीं देते? कुछ नहीं देते, जब कुछ है एक रुपया नहीं देते मैं अपने आप। आपके हस्बैंड को कितना अर्सा हो गया वफात पा रहे हैं? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए? जी हां 22 साल हो गए। तो आप कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? इनके आपके पांव को क्या क्या हुआ था? बस ये पांव मर के नमूने था है, बस अपने आप गुजारा चला ही रखी है, तेरा मेरा काम की भी रखी, और काम कर नहीं सकते, हम बह के आए और नीचे नमूने था है, मर क्या था है, रात दी दीद कह नहीं दीद के मरी जान दीद छोड़ के दीद दो बन रखी बनवाई थी, या की बन या की बन, तेरे मेरे को सवाल मार मार के कैसे गुजारे चला है, गुजारे चला रोटी खादी, हम बेटे थी गन अपने आप बखरे हैं, अंजवांजन मेरे को नहीं लिख दे ना पैसा बिल्कुल दे दे, एक रुपया लिख दे कर दे बाहर आ गए बोलियां टाइम मांग मुक्त खा गई थी, कहीं ना काम होए तो कर देता हूं, काम ही नहीं कर सकती। अम्मा जान आप ये बताएं कि आप क्या काम कर सकती हैं, आप कैसे पेट पाल रही हैं अपना और इस बच्ची का? कोई काम नहीं से कर सकते, कोई अल्लाह वत देगी या तो रोटी खा के ना देगी तो भूखे समझियो से, अहल तरस कोई है तो देगी तो ना तो भी भूखे समझियो से, और कारोबार कर नहीं सकते, कैसे कहना अपना बिठिया थे ये बच्चे को मैं अल्लाह वास्ते नहीं पढ़वाऊंगा, मेहनतदारी ना कर रही है, चलो मेरी बच्ची को पढ़ पोसी, ये मेरी मेहनत करें दिख रही मेरे हिम्मत मेरी दे दी, और अपने बच्चे तो कोलो नहीं खड़े वो तो गए अपने आप टबर लेना अपने तो दे दी नहीं खा के ना ही कुर्पिया दी, तो उन्हें बाहर वाला कोई आ गया रोटी आ गई अल्लाह वास्ते कुछ आ गई तो सा खा गई तो उसे ना आई तो करके बैठा खा गई। रिश्तेदार मदद नहीं करा रहा? नहीं 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 नहीं, सारे रिश्तेदार है भी कहना कोई नहीं, रिश्तेदार मदद करा रहा कोई नहीं मदद। अम्मा जान आप ये बताएं कि अब आपको जो बहन भाई आपकी बेटियां भी देख रही हैं, बहनें भी देख रही हैं, वो आपके साथ क्या हेल्प कर सकते हैं? कोई हेल्प कर दे, खर्चा पानी दे देवे, राशन पानी दे देवे, कोई पैसा टका सीखे वो दे देवे, सारा बुरा सारे को लोकेशन कर असा खाली है, कोई इमदाद करना बहन मेरा, राशन पानी घर के है नहीं, आटा मौजूद है, आटा ही मौजूद है, सर्दियों में तो कपड़े और रजाएं वगैरह मौजूद है आपके घर में? बस रजाएं भी है, कुछ गिंदड़े अंडे पाप होने में कोई इमदाद नहीं थी, बने गरीब गुरीब था, बने असलो पैसा का नहीं, बेवार और आता लंगड़ी और आता, एक बेटी पाली पया, अल्लाह पाक लेवे ते बंदे भेणी भिरा इमदाद करन, राशन पानी थी सके वो देवन, पैसा थी गए वो देवन, हर दियो कशा है कहानी अगर दे सब तो सही खासो गुजारा चले सो। इंशाल्लाह मेरी माँ जरूर दिया जाएगा, सिस्टर जान बैठी हुई है उनसे पूछते हैं। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाजी क्या नाम है आपका? इंसा। बाजी आप पढ़ रही हैं? जी। कौन सी जमात में? फाइव। फाइव जमात में तो मस्जिद भी जाते हैं? जी। कुरान पाक भी पढ़ते हैं? जी। कौन सा सिपारे पढ़ रही हैं? आठवां। माशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी बहन आपको खुश रखे, आपके नसीब अच्छे करे। तो ये देख सकते हैं ये इस फैमिली के हालात हैं, कमाने वाला कोई नहीं, बेटे थे उन्होंने इस बूढ़ी माँ को छोड़ दिया, क्योंकि अब इनका इनको सहारा देने का वक्त था, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप कितनी तकलीफें देखते हैं उनको पालते हैं,
लेकिन जब उनका वक्त आता है तो जवान बेटे छोड़कर चले जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह सुबहाना व तआला इनकी मदद फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको नेक काम करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। सबसे बड़ी बात, जो इनको राशन वगैरह दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा खुश होंगी और सारी ज़िंदगी आप दुआएं करते रहें, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। देख सकते हैं ये अम्मा जान के पाँव भी आप देख सकते हैं मुड़े हुए हैं। मुश्किल से ये वाशरूम जाती हैं मगर फिर भी इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर इनकी हेल्प की जा सके, क्योंकि ये अच्छा ज़रूरत है, दुआ है कि अल्लाह सुबहाना व तआला इनकी मदद फरमाए। और अगर आप में से कोई भी बहन भाई एवरीवन साहब इस्तेआत है और इनको एक अदद राशन वगैरह या इनकी हेल्प सपोर्ट करना चाहें, ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि यह सदका जारिया है। अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी आसान होती है तो अल्लाह सुबहाना व तआला इसके लिए आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाएंगे। दुआ है कि अल्लाह सुबहाना व तआला इनकी मदद फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको नेक काम करने की तौफीक अज़ीम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।